गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइफ 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 16 अक्टूबर 2020 और आज हम लोग 16 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स करेंगे। आज के करेंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? When is World Student Day celebrated? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 15 अक्टूबर को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व भर में विश्व छात्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो विश्व छात्र दिवस है यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिवस को पहली बार मनाए जाने का घोषणा किया गया था 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। और किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। फ्रेंड, जब हम लोग बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम की, तो इनका जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और ये 2002 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी दूसरी COVID-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना को मंजूरी दे दी है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इट्स सेकेंड COVID-19 वैक्सीन इपीवा कोरोबा? तो ये है रूस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी रूस देश ने अपनी दूसरी COVID-19 वैक्सीन जिसका नाम है एपीवा कोरोना, इसको मंजूरी दे दी है। इसके पहले रूस का पहला COVID-19 वैक्सीन आया था जिसका नाम था स्पुतनिक वी। और फ्रेंड्स, अब रूस के दूसरे COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है और उस वैक्सीन का नाम क्या है? एपीवा कोरोना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हम लोग स्टैटिस देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं रसिया के बारे में। रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रसिया का लैंग्वेज कौन सा है? रशियन। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रसिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड विच प्रोजेक्ट टू प्रमोट स्कूल एजुकेशन सिस्टम? तो ये है स्टार्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी स्कूली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के माध्यम से शैक्षणिक परिणामों में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया है, उनका समन था। रिसेंटली शोभा नायडू हैज पास्ड अवे, सी वाज रिलेटेड टू? तो ये एक नृत्यांगना थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी फेमस कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने 2001 में पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है, इनका क्या नाम था? शोभा नायडू, और ये एक फेमस डांसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया में भारत का राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू इंडोनेशिया? तो ये है मनोज कुमार भारती, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है और ये 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है प्रदीप कुमार रावत का। किनका? प्रदीप कुमार रावत का। अब मनोज कुमार भारती हैं जो इंडोनेशिया में भारत के राजदूत अपॉइंट किए गए हैं। तो हम लोग इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में।
इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया का लैंग्वेज कौन सा है? इंडोनेशियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मारूफ अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज ऑर्गेनाइज्ड एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज सुरक्षा कवच इन कोलैबोरेशन विथ विच स्टेट पुलिस। तो ये है महाराष्ट्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी इंडियन आर्मी ने महाराष्ट्र राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी विरोधी अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा कवच, इसका आयोजन किया है। इस अभ्यास के माध्यम से किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने में हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी इंडियन आर्मी ने महाराष्ट्र राज्य की पुलिस के साथ मिलकर इस अभ्यास का आयोजन किया है। तो हम लोग महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? Who has recently won the Central Bank of the Year Award 2020? तो ये है बैंक ऑफ घाना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है और इसे ये अवार्ड मिला है केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्ट योगदान के लिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ घाना का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1957 में। बैंक ऑफ घाना का हेडक्वार्टर कहाँ है? अक्रा, घाना। और अभी प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ घाना के गवर्नर कौन है? अर्नेस्ट क्वामीना एडू एडिसन। क्या नाम है उनका? अर्नेस्ट क्वामीना एडू एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द रेड लाइट ऑन कार्ट ऑफ कैंपेन? तो यह है दिल्ली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, जब लोग ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार करते हैं उस टाइम लोगों को अपने वाहनों को बंद रखना होगा जिससे कि वायु प्रदूषण कम होगा और तेल की बचत भी होगी। फ्रेंड्स, अभी जो अभियान है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, इस अभियान का शुरुआत किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग दिल्ली से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये है भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी अपने देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्चुअली बैठक हुआ था और इस बैठक में 34 सदस्य देशों ने भाग लिया था। फ्रेंड्स, इसी मीटिंग में भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत की है? Who has recently started construction of जोजिला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? तो यह है नितिन गडकरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, ये जो सुरंग है जोजिला सुरंग, ये क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसके साथ ही साथ कारगिल जिले में सर्दियों के समय में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, पहले अमरनाथ गुफा जाने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता था,
लेकिन अभी सुरंग के निर्माण से अमरनाथ गुफा की दूरी कम समय में ही तय की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है? विच कंट्रीज फॉर्मर क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो ये है न्यूजीलैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी न्यूजीलैंड देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जिनका नाम था जॉन रिचर्ड रीड, इनका निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने 58 टेस्ट मैच खेला था और ये न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर थे। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है, इनका क्या नाम था? जॉन रिचर्ड रीड, और ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन? तो ये है ओडिशा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा एक मिशन को स्टार्ट किया गया है और इस मिशन का नाम क्या है? सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। इस मिशन के अकॉर्डिंग राज्य के जितने भी शहरी इलाके हैं, इन सभी इलाकों में पीने का पानी अवेलेबल करवाया जाएगा और फ्रेंड्स ये सुविधा 24 आवर्स होगी। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने 2022 तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के पाइप कनेक्शन को अवेलेबल कराने का लक्ष्य रखा है। फ्रेंड्स, इस मिशन का टोटल एस्टिमेट है 1300 करोड़। अभी जो सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग ओडिशा से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है इंडिया का मैप और ये है ओडिशा। ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और अभी प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 147। ओडिशा में लोकसभा का सीट कितना है? 21। और राज्यसभा का सीट कितना है? 10। ओडिशा का नेबर स्टेट कौन कौन सा है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा का लैंग्वेज कौन सा है? ओडिया। फ्रेंड्स, ओडिशा का हाई कोर्ट है ओडिशा हाई कोर्ट। और अभी प्रेजेंट टाइम में ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और काज एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान किया है? Recently, India has contributed how many millions of dollars to the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees? तो यह है 10 million dollars, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 10 लाख डॉलर का योगदान किया है। इस पैकेज के माध्यम से फलस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों सहित कई अन्य सेवाओं में काफी राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने दूर संचार स्पेक्ट्रम आवंटन को कारगर बनाने के लिए किनके नेतृत्व में सचिवों का एक पैनल गठित किया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड ए पैनल ऑफ सेक्रेटरीज अंडर हुज लीडरशिप टू मेक द टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन इफेक्टिव? तो ये है राजीव गौबा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी गवर्नमेंट ने दूर संचार स्पेक्ट्रम आवंटन को कारगर बनाने के लिए राजीव गौबा के नेतृत्व में सचिवों का एक पैनल गठित किया है। इस पैनल के थ्रू दूर संचार स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किसने राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? Who has recently approved a 300 million dollar loan for water supply in Rajasthan? तो ये है ADB, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी ADB ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है,
जिससे कि राजस्थान के सभी शहरों में वाटर का सप्लाई हो सके। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है, तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन का आंसर रेगुलर दिया कीजिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली विनोद कुमार सिंह हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा और केरल। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।